देखिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी है जिसका सामना सिक्किम राज्य को करना पड़ रहा है, और कई तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो नुकसान हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ऐसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है और एक संकट है। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर लगातार कोशिशों के बाद भी वहाँ पर पूरी तरह से हम लोग जिस तरह से जाना चाहिए वो कोशिश लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रही है। और इतनी बड़ी त्रासदी के कारण जो संकट इस राज्य पर आया है, जो कठिनाई में यहाँ के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क रखा है, माननीय गृह मंत्री जी, और एक टीम भी हम लोग बना करके भेज रहे हैं जिसमें सारे मंत्रालय जो आवश्यक हैं उन सभी को हमने उसमें शामिल किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे है, एनर्जी है, वाटर सप्लाई है, ऐसे सारे जो मंत्रालय हैं उनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इधर मैं 3 दिन में काफ़ी जगहों पर गया, हर जगह पर सीएम साहब ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ स्वयं भी वो लगातार परिश्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ राज्य सरकार के सभी अधिकारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और हमारे जो वहाँ के अधिकारीगण हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, ये सारे लोग, उनके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम्स को भी यहाँ पर भेजा गया है। हम पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस आपदा के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य के लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। जितनी जल्दी ये संकट से हमको निजात मिले ऐसी हम सब लोगों की कोशिश है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जगह विजिट किया है, हम लोग बहुत जगह देखा है जो जी बहुत दिन समय लग सकता है रिस्टोर होने में। तो सर, यहाँ पे क्या जो है, जो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे एनडीआरएफ हो, जी जी बाकी जो भी फोर्सेस हो, उसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ाया जाएगा। जी उसके लिए देखिए, हम लोगों ने तुरंत किया है, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी जो हमारा 2023-24 का एसडीआरएफ के लिए जो बजट था उसको भी तुरंत ही उन्होंने जारी कर दिया है, दोनों किस्तें जारी कर दी, और उसके साथ साथ एनडीआरएफ को भी उन्होंने कहा है कि डिमांड के अनुसार जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार सिक्किम राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, और जहां भी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम करेंगे। अभी जैसे जो संकट है उसमें सबसे पहले हम लोगों को मानव जीवन को बचाना है, मानव जीवन की रक्षा करना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके साथ साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है उस सिस्टम को, वो रोड का हो, एनर्जी का हो, वाटर सप्लाई हो, उन सारी चीज़ों को कर करके सारी व्यवस्थाओं को सामान्य रूप से बहाल करना, ये हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। हम प्रदेश सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम करेंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.